कि आज उनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं। वो इस इलाके की एक आवाज़ थी, एक शान थी, और जब भी वो यहाँ होते थे तो उनकी जब आवाज़ होती तो सबकी आवाज़ें बंद हो जाती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और उनका जो सपना था कि मेरा ये इलाका आगे बढ़े, हर किस्म की डेवलपमेंट यहाँ पे हो, इंशाल्लाह हम उनके सपने को आगे ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम जितना हद तक इस इलाके के लिए कर पाएं हम वो यहाँ पर करें। आपने जहाँ तक देखा कि हम लगातार एक महीने से इस इलाके पे मैं दौरे पे हूँ। अभी एक दो महीने के अंदर मेरा तीसरा और चौथा दौरा खड़ी के अंदर है। और साथ ही साथ गुलशना जी को भी मुबारक दूंगी कि लगातार ये आपके इश्यूज़ को लेके खड़ी हैं, चाहे वो रामबन है, चाहे वो सेक्रेटरीट है, चाहे वो कोई भी अदारा है, उस अदारे तक ये यहाँ के इश्यूज़ लेके पहुँचती है। और लगातार हर किसी ऑफिसर के पास यहाँ के इश्यूज़ को टेकअप करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। मैं अपनी तरफ से इनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज जितना भी काम हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये गुलशन परवीन की कामयाबी है और आप लोगों की कामयाबी है। दुख इस बात का होता है कि इतनी 50-60 साल से यहाँ पे लोग जो है बड़ी बड़ी कुर्सियों पे रहे, लेकिन इन इलाकों के लिए कोई अच्छा काम हुआ नहीं है। जिस हद तक हमें आज हर इलाके को का काम करना पड़ता है, एक सिंगल कनेक्टिविटी इस एरिया को है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी लिंक रोड जो है मुझे दिखा नहीं। हालांकि एक ही साल में हमने ऐसे इलाकों को टच करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि शायद 40 साल से जिन लोगों की डिमांड थी वो यहाँ पे नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें रोड नहीं है। आप देखिए, खावड़ा है, लबलोटा है, कुंडन है, आपका ये इलाका है, यहाँ ऊपर देख लीजिए आप गूंज है, उस साइड आप नजर मार लीजिए आखरन है आपका इलाका, बुजला अभी पूरे तरीके से हम टच नहीं कर पाए हैं, सहरवाड़ा जहाँ की बात हम कर रहे हैं, जहाँ की आज हमने इनॉग्रेशन की। तो कोशिश करनी हमने कि इंशाल्लाह एक दो साल के अंदर हम उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि रोड फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इलाके की डेवलपमेंट को। अगर जहाँ पर रोड है आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आपके पास सब कुछ पहुँचेगा और हर ऑफिसर उस इलाके तक पहुँचेगा। सबसे बड़ी कामयाबी एक इंसान की होती है कि जब एक इलाके के अंदर रोड पहुँचती है तो उसकी जो बुनियादी सहूलियात है, पानी, बिजली, वो बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनको मुहैया हो जाती हैं। अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी डिमांड यहाँ से आती है। अभी यहाँ पर एक साथी ने कहा कि त्रिगाम वालों ने अभी तक कोई डिमांड नहीं की, ऐसा नहीं है। लगातार त्रिगाम से बहुत सारी ऐसे इश्यूज उठते हैं जो यहाँ पर, मैं समझती हूँ कि दो ही इशू यहाँ पे उठे हैं। एक तो बस अड्डा के लिए वॉशरूम का जो बताया गया है, ये पिछले ही दिनों जब मेरा विजिट हुआ था तो जलाल साहब ने आपके लिए ये दिया था, ये मैंने टेकअप किया है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट में आपको हम यहाँ पे एक अच्छा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना के देंगे, ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पे जो भी माँ बहन बुजुर्ग यहाँ पे आता है तो उसको कम से कम यहाँ पर जो है बाथरूम जाने के लिए एक जो है एक फैसिलिटी हम दे सके। दूसरा, यहाँ पर जो फ्लाईओवर का है, मेरी समझ से थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब अभी हम इसका विजिट करेंगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको फ्लाईओवर बना सके, क्योंकि फ्लाईओवर बनाना कोई आसान बात नहीं है। फ्लाईओवर मीन्स उसके ऊपर गाड़ी चलनी चाहिए, अगर लोगों को चलना है तो वो एक अलग इशू है। अगर मोटरेबल बनाना है जहाँ पर गाड़ी चलेगी तो उसके लिए भी हमें टेक्निकल टीम की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि आपने ये रोड यहाँ तक तो लाई है लेकिन आगे इसको जो है ख़त्म कर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमने नई रोड यहाँ पर अभी हमने जो टेकअप की है, आमा से लेके आगे गुंज वाया त्रागन जो अभी जलाल साहब ने मुझे पीछे दी थी, तो उसको हम टेकअप करेंगे। और मुझे लगता है कि इसको यहाँ से लेना पड़ेगा वहाँ से मोड़ के, क्योंकि अगर हम बैक साइड से जाते हैं तो पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में तो हम छेड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको दीवारें लग गए, यहाँ से ही कोई टेकअप पॉइंट इसका निकालना पड़ेगा, ताकि आगे जो पॉपुलेशन है, और ये छोटी पॉपुलेशन नहीं है, बहुत बड़ा इलाका अभी आपका ऊपर है जो बिल्कुल मैं कहती हूँ डिस्कनेक्ट है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को भी वहाँ से यहाँ तक आना है
तो यहाँ से वो वापस कैसे जाएगा, ये बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि कम्प्लीटली आपका एरिया जो है वो चढ़ाई में है। बुजुर्ग वहाँ से आएगा तो यहाँ से वापस कैसे जाएगा? तो इंशाल्लाह अभी हमने ये रोड्स भी टेकअप किए हैं, और भी जितने इश्यूज होंगे उनको हम टेकअप करेंगे। आपका एरिया नीचे भी जो पडर आड़ा है, ये इलाका है, इसके लिए भी हमने रोड जो है अभी DPR बनी है, वो भी जल्दी सेंक्शन हो जाएगी। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अभी इलाके हैं, उनकी भी DPR बनी है। अगनाड़ी त्रागन रोड अभी इनकम्प्लीट है, उसको भी कम्प्लीट करना है। तो और डैमेजेस जो यहाँ पे हुए हैं, अभी आपने देखा कि अभी हम ना चलाना से ही आपका रोड बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, ना चलाना ही डैमेज हो गया है, उसको भी हमने टेकअप करना है। आगे आपका जो हरनिहाल जो सिंकिंग पोर्शन है, उसको भी हम, आज SDM साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी जो त्रिगाम बीच तक वो भी मेरे साथ आए। तो जो जो ये इश्यूज हैं ये डैमेज के, ये हमने टेकअप करने हैं। दूसरा, इकबाल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि रेलवे स्टेशन का जो पोर्शन है, जो क्या मैप था, अब हम वो निकालेंगे। हालांकि मैं पिछले दिनों रेलवे स्टेशन वहां से अंगलदान से भी जो है रेलवे स्टेशन पे उतरी और वापस भी मैं वाया ट्रेन गई। ये बहुत ही एक अच्छा कनेक्टिविटी संगलदान और खड़ी और बनिहाल के बीच में हुआ, क्योंकि ये 20 मिनट का सफ़र सिर्फ और खड़ी और संगलदान के बीच में अब रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो जो स्टेशन है वो देखिए, मुझे लेट हो गया। उसका प्लेटफॉर्म है, और गाड़ी जब रुकती है तो वो टनल के बीच में जाके रुकती है। तो कहीं ना कहीं जिस वक्त ये सिस्टम बना है उस वक्त देखने की जरूरत थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको टेकअप नहीं किया है, जो कि इस वक्त जो है बन चुका है। लेकिन अब जो थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग करनी होगी, जैसे आपका फुट ब्रिज है, जो यहाँ से जो यहाँ के लोगों का जो रास्ता है वो मैंने, अगर यहाँ पर जय साहब कहीं है, मैंने पहले दिन ही, या पहला विजिट मेरा था, मैंने उसी दिन उनको कहा है कि इसका जो है मेजरमेंट ले लीजिए और इसकी DPR बना के आपको इसी साल में मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो ब्रिज दिया जाए जो आपका यहाँ से शॉर्टेस्ट रूट रहेगा। क्योंकि जिस वक्त आपका फ्लाईओवर वहाँ से आता है, आगे जहाँ पर वो फ्लाईओवर खत्म होता है, वहाँ से हम उस साइड अगर एक ब्रिज बनाते हैं तो वो ब्रिज आपका सबसे बेहतरीन रूट रह सकता है रेलवे स्टेशन के लिए। हालांकि इन्होंने रेलवे अथॉरिटीज ने आपको उसके ब्रिज के साइड से वो छोटा सा 2 फुट का रखा है रास्ता, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि वो काफी नहीं है। जिस वक्त वहां पर मुझे लगता है कि उसके ऊपर से वो ज्यादा चलने भी नहीं देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। तो इसलिए जो साइड वाला ब्रिज बनेगा वो भी हम रेलवे को भी बुलाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ब्रिज बना दें बाद में वो हमें अंदर एंट्री ही ना दें, तो ये चीज भी देखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हम उसको DPR बना के कोशिश करेंगे उसको जल्दी सेंक्शन करें। बाकी यहाँ हॉस्पिटल की बात उठी, चेरवड़ा वाले कहते हैं कि आप आ जाएं तो आपको पता चलेगा, हम लगातार ऐसी बर्फ में चलते हैं, ऐसा मसला नहीं है, बर्फ के रहने वाले हैं, गूल सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है यहाँ से कहीं ज्यादा, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि कैसे हम इस हैमलेट को डेवलप करें, वो चीज है। मैं वहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे समझ है कि ये इलाका कौन सा है। और जाना है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितने भी इश्यूज है कम से कम मुझ तक पहुंचाए जाए। मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि अगर कभी कभार गुलशन नहीं पहुंच पाती है, हर इंसान का फर्ज है कि मुझ तक पहुंचे, या हमारे यहाँ बाकी सीनियर साथी है उन तक पहुंचे, ताकि ये जो 1 साल या 2 साल हमारे पास है, हम कोशिश करें कि वो एरिया भी टच करें जो हमसे अभी तक रह गए हैं। और दूसरा, इंशाल्लाह हम दोबारा से यहाँ विजिट करेंगे, हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। जो यहाँ पर नाले हमने देखे, क्योंकि हम पूरा इस रास्ते को त्रिगाम से ब्रिज से लेके यहाँ तक हम पैदल चले हैं, इस रोड में ड्रेनेज की वजह से, ना होने की वजह से काफी सारे डैमेजेस हुए हैं। आपने देखा ये पीछे जो आपका पुतनाला एरिया है, सारा नीचे इसके घर सारे डैमेज हो गए हैं। आप नीचे जाके देख लीजिए मस्जिद एरिया, आगे त्रागन एरिया जो है, अगनाड़ी एरिया, इसमें इसको यहाँ से लेके पूरा नीचे तक ड्रेनेज बनानी है। वो मैंने इनसे जो PMGSY वालों से बात की है, और इसका जो परमानेंट रेस्टोरेशन उन्होंने दिया है उसको जल्द अज जल्द
हम सेंक्शन करवाएंगे ताकि आपकी ये ड्रेनेज जब बनेगी तभी आपके ये जो मकान है वो बच पाएंगे। और उसके साथ साथ जो बड़े नाले हैं, 3-4 नाले हमने आते आते देखे हैं, उन नालों को हम टेकअप करेंगे अंडर फ्लड कंट्रोल, ताकि वो नाला अगर ऊपर से जा रहा है तो वो नीचे तक जो है बने, पानी को इधर उधर मकानों की तरफ जो है रास्ता ना मिले। और मकान जो डैमेज हुए हैं, अगर कोई ज़्यादा डैमेज हुआ है, मेरी गुजारिश है कि वो जो है इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को दें और पुलिस स्टेशन से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेके तहसीलदार साहब के पास सबमिट करें, क्योंकि आज आपके नायब साहब ने भी ज्वाइन कर दिया है और दूसरा तहसीलदार साहब भी आ जाए हैं। तो बीच बीच में, क्योंकि वो तहसीलदार हेडक्वार्टर रामबन भी है तहसीलदार, लेकिन अगर नायब यहाँ पे बैठेगा तो आपको काफ़ी हद तक जो आसाइश है वो हो जाएगी। वो इश्यूज है वो आप सबमिट कर दीजिए, बाद में मुझे वो रिपोर्ट दीजिए ताकि हम जल्द अज जल्द पटवारी इसको भेज के उनका जो है असेसमेंट करवा सके और डैमेज जो रेन डैमेज है, फ्लड डैमेज है, उनको वहाँ तक जो है पैसा दिला सके। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अभी अपने सभी साथियों का। और दूसरा, ये अचानक प्रोग्राम इसलिए हुआ क्योंकि जो काम हम अभी तक शुरू नहीं कर पाए थे वो काम शुरू करने ज़रूरी थे, क्योंकि आगे जो है अप्रैल में इलेक्शन आ रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, हो सकता है असेंबली इलेक्शन हो भी हो उसके साथ में, लेकिन पहले तो पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट 15 तारीख से या 12 तारीख से गवर्नमेंट जिस हद तक करेगी, इसीलिए हमें ये इनॉग्रेशन जो है जल्दी करनी पड़ी ताकि हम अपने कामों को जो सेंक्शन हुए हैं उनको हम जो है काम लगाएं और आने वाले वक्त में जल्द जल्द वो कटिंग कंप्लीट हो। और कटिंग के साथ साथ मैं यहाँ हमारे जेई साहब भी होंगे और कॉन्ट्रैक्टर भी शायद यहाँ पर हैं, मैं चाहूँगी कि चेरवड़ा रोड को साथ साथ ही कटिंग करने के साथ साथ ही जो अभी जो बुजुर्ग यहाँ पे खड़े थे पहले तो ये देखें कि अगर उनका मकान बच सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि उसी को हमने गिराना है, उसको आगे पीछे से अगर निकला जा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके साथ साथ अगर किसी का मकान आ रहा है उसका कंपनसेशन बनाया जाए। और दूसरा, जो इमरजेंट जगह हैं सबसे पहले अगर कटिंग हुई तो साथ में उसकी दीवार लग जाए ताकि पूरा इलाका जो आपका है वो बच सके। मैं जो इसी के साथ इजाज़त दे, वसलाम। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے مولائے کریم اے اللہ تمام عالم کے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ پورے عالم کے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ جو ایکسیڈنٹوں میں گھروں میں اے اللہ ہسپتالوں میں بیماریوں میں مر چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما اے اللہ بالخصوص ہمارے چاچا مرحوم عبدالعزیز پاچو صاحب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کے دینی سماجی سیاسی خدمات کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% محبت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ये 2 दिन का हमारा विजिट था यहाँ ब्लॉक खड़ी में। लगातार हम काफ़ी सारे एरियाज में हमने विजिट किया, जो डैमेजेस थे उनको एसेस किया। हमारे साथ सभी जो मजिस्ट्रेट थे, DDC काउंसलर खड़ी गुलशना परवीन थी और बाकी सारे हमारे पार्टी के अहदेदारान वो बिल्कुल साथ थे। और लगातार हमने कुछ रोलों का भी खलीफ्तार किया, उसके साथ साथ डैमेजेस का भी असेस किया। और खड़ी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि स्लाइडिंग वाला एरिया है, और यहाँ पर जैसे ही बारिशें आती है बहुत ज़्यादा नाले यहाँ पे उठते हैं। और खासकर मैं ये कहूँ कि जो यहाँ पे रोड्स बने हैं उन रोड्स की ड्रेनेज न होने की वजह से काफ़ी सारे हमारे इलाकों में जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं। और आज हमने यहाँ पर जो है, जो हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर खड़ी है यहाँ पर पार्टी का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस है, वहाँ पर हमने सभी पार्टी के वर्करों से मीटिंग की और यही यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि जितने भी डैमेजेस यहाँ पे हुए हैं, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो प्राइवेट रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, या रोड्स हैं, या इनके जो रास्ते हैं वो डैमेज हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले प्लान में टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे
कि उन डैमेजेस को हम जो है उनके उन डैमेजेस को रिड्रेस कर सके और आने वाले वक्त में हम इनको दोबारा से उनको रिपेयर करके दे सके, ताकि इलाके के अंदर जो है आइंदा आने वाला कोई भी आफत अगर आती है तो उससे हम मुकाबला कर सके।